मेरा नाम राजन है। मैं मार्केटिंग में एक जगह काम करता हूँ। मेरी नौकरी की वजह से मुझे हमेशा यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है। रात के समय बहुत बार लॉज होटल में रुकना होता है। वैसे तो उसका पैसा कंपनी देती है, लेकिन कुछ पैसे बच जाए इसलिए मैं छोटे होटल में रुककर ज़्यादा का बिल बनवा लेता था, ताकि वो जोड़ के कुछ ऊपर की कमाई हो सके। पर कभी सोचा नहीं कि ये सब मेरी जान पर बन आएगा। मैं एक बार शाहपुर नाम के छोटे से शहर के लिए अपनी बाइक से निकला था। कंपनी का काम था और वहाँ से ऑर्डर भी लेने थे। शाम तक काम हो जाएगा इसलिए मैं ज़रा आराम से था, लेकिन सारे ऑर्डर लेते हुए रात के 8 बज चुके थे। अब अपने घर जाना मुश्किल था। सोचा कि यहीं कहीं सस्ता सा लॉज देख लेता हूँ, सो रात के ठिकाने का बंदोबस्त हो जाए। एक दुकान वाले से पूछा, अरे भाई साहब, यहाँ कोई लॉज है क्या? कोई सस्ता हो तो बताओ। उसने मेरी ओर देखा और अनदेखा करके बोला, यहाँ कोई लॉज नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ से 2 मील पे एक छोटा ढाबा है, वहाँ तुम खाना खाओ तो वो रुकने का इंतजाम कर लेते हैं। मैं उसको मन में ही ठीक है बोल के निकला। तभी उसने आवाज़ लगाई, पीछे वही दुकानदार आ रहा था। मेरे पास आके वो रुक गया और बोला, हाईवे पे यहाँ से सीधा जाना, कहीं रुकना मत, सीधे वो ढाबे पे ही जाना, रास्ते में भूतों का डेरा है, तुम नए हो, पता नहीं होगा, कोई रोके तो रुकना भी नहीं। मैं गर्दन हिला के वहाँ से चला गया। मैंने ऐसी बातें सुनी तो थी, पर यकीन कौन करता है। आजकल थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी, हेलमेट के अंदर भी मुझे महसूस हो रहा था। मुझे ठंडी से जुकाम होता है, इसीलिए जैकेट पहना था। शहर से जैसे बाहर निकला, घनी सी झाड़ियाँ चालू हुई। एक बड़ा सा मोर आया तो मैंने गाड़ी जरा धीरे की और हॉर्न बजाया। तभी एक पेड़ के नीचे एक आदमी सोया दिखा। मैंने सोचा कोई भिखारी होगा या कोई दारू पी के पड़ा होगा। मैं बिना रुके वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद एक रोशनी दिखी। मुझे लगा कि वही ढाबा होगा जो वो दुकानदार बोल रहा था। पास जाके देखा तो एक छोटा सा घर था। बाहर लिखा था होटल माया। एक दिया जल रहा था और बाहर एक कोने में आग भी जल रही थी। पास में कोई दिख नहीं रहा था तो मैंने बाहर से ही आवाज़ लगाई, कोई है? काफ़ी देर के बाद एक दिया लेके एक बुढ़िया आई। वो काफ़ी उम्र की लग रही थी, लकड़ी के सहारे चल रही थी। देखने से सब कुछ ठीक लगा तो मैंने उस बुढ़िया से पूछ लिया, अम्मा यहाँ रात के लिए रुकने के लिए कोई कमरा मिलेगा? जो बनता है वो किराया दूंगा। मैंने सोचा कि ये किराया लेगी, 150 दे के निकल जाऊंगा और सुबह 500 का बिल बना के ऑफिस में दे दूंगा, ऊपर का अपना फ़ायदा ही होगा। वो बोली, हाँ अगर खाना चाहिए तो वो भी मिलेगा। मैंने साथ में कुछ बिस्किट और चिप्स के पैकेट रखे थे, ये सब मैं हमेशा साथ में रखता हूँ। सोचा कि इसको रात को दिखाई देता होगा कि पता नहीं खाना बनाने में कितना टाइम लगे, क्या पता। मैं बोला, नहीं अम्मा, मैं शहर से निकला तो खा के आया था, वहाँ से तुम कमरा दिखा दो, सुबह जल्दी निकलना है। वो इशारे से चलने को बोली, मैं उसके पीछे चला गया। घर अंदर से काफ़ी साफ सुथरा था। भीतर जाते ही दाहिने तरफ 2 कमरे थे, एक में मुझे छोड़कर वो चली गई। मैं भी थका हुआ था, थोड़े बिस्कुट खा लिए और साथ में लाया पानी पी के खटिए पे लेट गया। खटिया जरा छोटी थी, मेरे पैर बाहर लटक गए। मैं पैरों को थोड़ा मोड़ के करवट लेके सो गया। थका हुआ था तो जल्दी नींद भी लग गई। मेरी आँख खुली तो 12 बज चुके थे। मैंने अपना मोबाइल उठाया तो पता चला मुझे कुछ कुतरने की आवाज़ आई। मोबाइल की टॉर्च लगाई तो देखा चूहा था, उसको भगाया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी बाहर से रोने की आवाज़ आई और साथ में कुछ तोड़ने की भी। मैं जरा चौंक सा गया, मोबाइल लेके दरवाजे के पास गया, आवाज़ बाहर से आ रही थी। मैंने धीरे से बाहर झांकने की कोशिश की पर वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। सोचा बुढ़िया को आवाज़ लगाऊं,
लेकिन वो इतनी रात में कहाँ जागने वाली है, यह सोच के चुप हो गया। हिम्मत करके धीरे से दरवाज़ा खोला। डर तो मैं भी गया था, एक तो अंधेरा था, ऊपर से वहाँ बिजली नहीं थी, रात को अचानक ऐसे आवाज़ आएगी, डर तो लगता ही है ना। मैंने मोबाइल का टॉर्च ऊपर से बाहर निकाला, आवाज़ बाजू के कमरे से आ रही थी। मैंने अंदर झांकने की कोशिश की पर कुछ देख नहीं पाया। मुझे पहले लगा कि मेरे जैसे कोई मुसाफिर होगा जो रात के लिए रुका होगा और अपनी बीवी से झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि रोने की आवाज़ औरत की थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, एक झटके से दरवाज़ा खुल गया। मेरी धड़कनें एकदम से तेज हो गई। अंदर पूरा अंधेरा था, कोने में एक दिया जल रहा था, उसकी रोशनी में वो बुढ़िया बैठी थी। अभी वो बुढ़िया बहुत ही भयानक दिख रही थी, वो मेरी ही तरफ अपनी लाल आँखों से देख रही थी। मैंने जैसे मोबाइल का टॉर्च पूरे कमरे में घुमाया, मैं चकरा गया। एक आदमी सफ़ेद कपड़े पहन के था, पूरे कपड़े खून से रंगे हुए थे और वो लकड़ी के लट्ठे पर कुछ काट रहा था। वो जो आवाज़ आ रही थी काटने की, वो यहीं से थी। ये वही आदमी था शायद जो मुझे रास्ते पे पड़ा दिखा था। वो किसी औरत को काट रहा था और वही दर्द की वजह से रो रही थी। मेरा दिमाग एकदम से सन हो गया, पसीने से मैं तरबतर हो गया। भागना चाहता था लेकिन हिल नहीं पा रहा था। मैं चक्कर खा के गिर गया, लेकिन नीचे गिरते ही संभाला खुद को। नीचे खून में गिरा था। मेरे गिरते ही मेरे ऊपर चिपचिपे से कीड़े रेंगने लगे। उस बूढ़ी के ऊपर भी कीड़े चढ़े हुए थे, हर तरफ सड़ने की बू आ रही थी। बुढ़िया अचानक से खूंखार हो गई, वो हथियार लिए मेरी तरफ पड़ने लगी। मैं तड़प रहा था, वो जैसे ही मेरे करीब आई मैंने दरवाजे को उसके मुंह पर दे मारा, वो नीचे गिर गई। मैंने पूरी ताकत लगा के खुद को खड़ा किया और भगवान का नाम लेके जैसे भागा मानो ओलंपिक की रेस हो। मैं चिल्ला रहा था बुढ़िया और वो आदमी मेरे पीछे दौड़ रहे थे। मैं रास्ते पर आ चुका था, वैसे ही नंगे पैर जान बचा के भागा, पता नहीं कहाँ, लेकिन जहाँ रास्ता दिखे वहाँ। कुछ देर दौड़ने के बाद मैं थक गया, अब और भागना मुश्किल था। थोड़ी दूर पर फिर से एक रोशनी दिखी, लेकिन इस बार वो ढाबा था। मैं जान मुट्ठी में लेके भागा, जैसे वहाँ पहुँचा जोर से चिल्लाने लगा। वहाँ काम करने वाले लोग उठ के आ गए और मैं बच गया। उन्होंने मुझे पानी पिलाया, तब मेरी जान में जान आई। सारी हकीकत बताने पर एक आदमी बोला, बेटा तेरी तकदीर में ज़िंदगी लिखी है, इसीलिए बच गया तू। यह सालों से चलता आया है, वहाँ जो भी फंसा कभी वापस नहीं आया। वो होटल सबको नहीं दिखता, साबित होटल है, लेकिन जिसको दिखता है वो वहाँ फंसता है और उन खूनी पिशाचों का शिकार हो जाता है। शायद भगवान तेरे साथ है, तुझे ज़िंदगी मिली। रात को मैं वहीं रहा ढाबे वालों के बीच में। सुबह होते ही उन्हीं के साथ मैं अपनी बाइक और सामान तलाश करने उसी जगह गया था। मेरी बाइक वहीं थी, मेरा सामान भी था, लेकिन वह खूनी होटल नहीं था। वहाँ पूरी जगह सुनी थी, लग रहा था कि कुछ था ही नहीं वहाँ, वो एक साबित होटल था। मैंने वहीं काम करने वालों से सुना, कई लोगों की जान ली थी उस होटल ने। मैंने रब से दुआ मांगी और अपनी बाइक लेके वहाँ से घर के लिए निकल गया। अपने सीने के अंदर उस साबित होटल की वो खूंखार वाली रात की याद को लिए। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी हंगर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।